अच्छा, अभी तक हमने जाना कि कमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कमेंट्स की क्या इम्पॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू वर्डप्रेस बीइंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और कमेंट्स कैसे काम करते हैं, कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, हाउ डू कमेंट्स क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट इंटरेक्शन इन योर वेबसाइट. वर्डप्रेस अलाउज यू टू डू दैट. बट द मोस्ट आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद आप खुद भी अपने आप से पूछें, आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना भी चाहिए, इज के व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टर्न ऑन द अप्रूवल फीचर इन कमेंट्स. अप्रूवल फीचर क्या है? इट्स अ सिंपल फीचर कि आप किसी को अलाउ करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके कुछ कह सके कि नहीं पब्लिकली. सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इतना ज़रूरी है? वो इसलिए बिकॉज कॉमेंट्स कैन बी हार्श. हार्श का क्या मतलब है? लोग तल्ख जुबान आपके साथ यूज कर सकते हैं आपके ब्लॉग पे, एंड दीज कॉमेंट्स कैन डैमेज योर रेप्यूटेशन. अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि कोई मेरे बारे में आके मुझे कह रहा है तो मेरी रेप्यूटेशन कैसे ख़राब होगी? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फेसबुक पे जब आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप सेलिब्रिटीज़ की प्रोफाइल पे जाके या उनके पेज पे कमेंट्स पोस्ट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स, वैसे ही अगर आपके बारे में कोई बुरा कहेगा और काफ़ी ज़्यादा लोग एक चीज़ को कहना शुरू हो जाएंगे, इट कैन डैमेज योर रेप्यूटेशन. कमेंट्स कैन ऑल्सो यूज़ बैड लैंग्वेज एंड यू डोंट वॉन्ट पीपल टू सी दैट काइंड ऑफ बैड लैंग्वेज. आप नहीं चाहते कि लोग देखें कि कौन सी ज़बान लोग आपके साथ यूज़ कर रहे हैं. कॉमेंट्स कैन ऑल्सो बी एब्यूसिव. आप नहीं चाहते कि कोई आके आपको एब्यूज़ करे. कॉमेंट्स कैन ऑल्सो बी वेरी टॉक्सिक एंड कॉमेंट्स कैन बी थ्रेटनिंग. आपको कोई थ्रेट आके दे सकता है आपके ब्लॉग पे, किसी भी वजह से हो सकता है. आप किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, बात कर रहे हो, कस्टमर को आपका जो आपका यूज़र है, जो कि कस्टमर भी होगा, उसको आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, एंड ही कम्स और शी कम्स एंड गिव्स यू अ थ्रेट. उसके अलावा कमेंट्स कैन बी डीमोटिवेटिंग. आप चले थे यू नो ख्वाब देखने के वर्डप्रेस सीखेंगे और ट्रैफिक जनरेट करेंगे और मिलियंस कमाएंगे, और एक बंदा आके वहाँ पे कमेंट पोस्ट करता है कि योर ब्लॉग इज़ क्रैप, आपकी वेबसाइट बकवास है, उधर से ही आप डीमोटिवेट होना शुरू कर देते हैं. इसीलिए कमेंट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का कमेंट आप अलाउ करेंगे और किस तरह का कमेंट आप नहीं अलाउ करेंगे. सो इफ एन इन अप्रोप्रिएट कमेंट हैज़ बीन सबमिटेड, यू मे विश टू अन अप्रूव इट. ज़रूरी नहीं है कि आप उस कमेंट को अप्रूव करें. आपने जज करना है, आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट पे आप किस तरह की डिस्कशन को अलाउ करेंगे, आप किस तरह के कमेंट्स को अलाउ करेंगे. अगर आप किसी का कमेंट अनअप्रूव कर लेंगे, सो दैट कमेंट विल स्टॉप डिस्प्लेइंग ऑन योर वेबसाइट, और वो कमेंट सबको नज़र नहीं आएगा, विच एग्जैक्टली इज द ऑब्जेक्टिव. बिकॉज कमेंट्स कैन बी थ्रेटनिंग, कमेंट्स कैन बी टॉक्सिक, एंड कमेंट्स एज आई सेड बिफोर कैन बी वेरी डीमोटिवेटिंग. क्वेश्चन यही आता है कि कैसे आप कमेंट्स को अनअप्रूव कर सकते हैं, या अगर डिसअप्रूव में कहना चाहूँ तो कैसे आप कमेंट्स को अनअप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं. तो आपने करना सिंपली ये कि आपने अपना जो माउस कर्सर है कमेंट सेक्शन में लेके जाना है और उस कमेंट पे लेके जाना है जो कमेंट आपको नहीं अच्छा लगता, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अनअप्रूव. कुछ केसेस में तो वर्डप्रेस आपको एक फीचर देगा कि अगर कमेंट ऑलरेडी अप्रूव हुआ हुआ है तो आप इसे अनअप्रूव कर सकते हैं. अगर वो कमेंट आपने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था तो आप उसे या डिलीट कर सकते हैं या अनअप्रूव कर सकते हैं, ये आप पे है. कमेंट्स दैट आर ऑलरेडी अनअप्रूव विल बी डिस्प्लेड विद अ डिफरेंट कलर्ड बैकग्राउंड इन योर लिस्ट ऑफ कॉमेंट. उनका जो कलर है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये कॉमेंट जो है वो ऑलरेडी अनअप्रूव्ड है. And they will be highlighted with a red vertical bar on the side, जैसे कि बड़े clearly आप यहाँ पर देख सकते हैं. So you will already know by looking at them कि ये जो comment है
ये अनअप्रूव्ड है और इसको मैंने अप्रूव करना है. एंड यू कैन टेक योर टाइम टू रीड दैट कॉमेंट, टू अंडरस्टैंड दैट कॉमेंट बिफोर यू अप्रूव इट. एक और अच्छी चीज भी आप कर सकते हैं कि अगर वो कॉमेंट अनअप्रूव्ड है तो आप उस कॉमेंट को अप्रूव करने से पहले उसको एडिट कर सकते हैं. आखिर क्यों आपको इसकी ज़रूरत पेश आएगी? उन केसेस में जिधर आपका कमेंट में कोई ऐसा लिंक है जो कि स्पैम है, यू वुड वांट टू एडिट द कमेंट फर्स्ट बिफोर अप्रूविंग इट. क्वेश्चन आपके जेन में आएगा कि कैन आई डिसेबल कमेंटिंग कम्प्लीटली? यस, यू कैन डू दैट. देयर इज अ प्लगइन अवेलेबल फॉर दैट. और साथ ही साथ कैन यू मेक कमेंट्स बेटर? क्या जबरदस्त होता कि एक सिस्टम होता जिससे आप कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं. सो डिस्कस विल अलाउ यू टू डू दैट. इंग्लिश वाला डिस्कस नहीं, इट्स DISQUS, इट्स अ प्लगइन. सो मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ साथ साथ कि कमेंट्स कैसे आते हैं, कमेंट्स को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. सो उसके लिए मैं आपको एक साइट पे लेके जाऊँगा, wccftech.com. यू वुड बी हैप्पी टू सी एंड हैप्पी टू नो कि दिस इज़ वन ऑफ द टॉप कमेंटेड वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड एंड इट्स ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी. अब्दुल्ला साद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये टेक्नोलॉजी पे लिखते हैं. इन्होंने अपनी वेबसाइट को टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के तौर पे स्टार्ट किया था. एंड यू वुड बी सरप्राइज कि इनकी एक एक पोस्ट पे इट कैन हैव एज मेनी एज 5,000 कॉमेंट्स. दैट्स क्रेजी, दैट्स अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स. तो हम क्या करेंगे, इनकी कुछ रिसेंट पोस्ट को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि ये कॉमेंट्स को कैसे यूज कर रहे हैं. सो हम स्क्रॉल करेंगे, हम नीचे जाएंगे और वहां पे वी विल लुक एट देयर कमेंट्स. कमेंट्स कैन यूजुअली टेक सम टाइम टू लोड. हाँ, आप देखें, आप कमेंट्स लोड हो गए हैं और यहां पे आपको डिस्कस की कमेंटिंग फीचर जो है वो नजर आ रही है. एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये है वर्डप्रेस पे साइट, बट दिस इज यूजिंग द डिस्कस कमेंटिंग फीचर, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में और भी बताऊंगा. ये वर्डप्रेस की नेटिव फीचर नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड प्लग इन बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स दैट वी विल डिस्कस. सो व्हाट वी विल डू इज वील गो टू कॉमेंट्स अगेन ऑन आर वेबसाइट विच इज digiskillsadhamid.000webhostapp.com. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमेंट्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हुए हैं. तो मैं ये करूँगा कि आई विल ट्राई टू लॉग आउट एंड आई विल गो टू माई वेबसाइट एंड वहाँ पे मैं एक स्ट्रेंजर के तौर पे ये कॉमेंट पोस्ट करूँगा. सो मेरा नाम है स्ट्रेंजर, मेरी ईमेल है stranger@gmail.com एंड कमेंट है आई एम अ स्ट्रेंजर पोस्टिंग दिस कमेंट. ऑब्वियसली ये एक आपको एग्जांपल देने के लिए मैं इस तरह का कमेंट पोस्ट कर रहा हूँ. पोस्ट मैं दबाऊंगा एंड सडनली यू विल सी के द कमेंट हैज बीन पोस्टेड, क्योंकि वो रिफ्रेश हो गया है जो पूरा पेज है. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लॉगिन करूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि ये कमेंट बैकएंड पे कमेंट सेक्शन में कैसा आया. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में ही कमेंट नजर आ रहा है. मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसको हैंडल कर सकता हूँ, मेरे पास पेंडिंग का एक फ्लैग भी आ रहा है, अप्रूव भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम द कॉमेंट सेक्शन. तो मैं कॉमेंट सेक्शन में जाऊँगा और कॉमेंट सेक्शन में जाके यू सी के मैंने जो कॉमेंट पोस्ट किया था वो अब आपको नजर आ रहा है. उसकी रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा है, किस पोस्ट पे है सबमिटेड भी नजर आ रहा है और उसका रंग जो है वो चेंज हुआ है. इट नाउ शोज यू के एक रेड वर्टिकल स्ट्रिप है. मैं चाहूँ तो उसको अप्रूव भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको एडिट भी कर सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट क्लिक ऑन अप्रूव. जैसे ही मैं अप्रूव करूँगा, दिस कॉमेंट विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द फ्रंट एंड. सो दिस इज हाउ ईजी इट इज़ टू अप्रूव कॉमेंट्स. और अगर आप किसी कॉमेंट को आपने अप्रूव कर दिया है और आप उसको थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाह रहे हैं विदाउट डिलीटिंग इट, तो आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट क्लिक ऑन अनअप्रूव. अब ये कॉमेंट
फ्रंट एंड साइट से हिडन हो गया, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ आई कैन एडिट इट, आई कैन अपडेट एंड आई कैन अप्रूव इट अगेन. एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि जब आप एडिट करते हैं कमेंट को, वहाँ से आप इस कमेंट का स्टेटस डिसाइड कर सकते हैं, पेंडिंग अप्रूव्ड स्पैम. सो आई क्लिक ऑन पेंडिंग अगेन और आप देखेंगे कि दोबारा वो स्ट्रिप वापस आ जाएगी. सो दिस इज हाउ इजीली यू कैन अप्रूव एंड डिसअप्रूव और अनअप्रूव कमेंट्स. एक और प्लगइन जिसका नाम है डिसेबल कमेंट्स, मैं ये प्लगइन ऐड करना चाहूँगा ताकि मेरी पूरी साइट पे प्लगइन्स कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएं. ये टोटली आप पे है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं. सो आई विल एक्टिवेट दिस, साथ ही साथ आई विल इंस्टॉल अनदर प्लगइन कॉल्ड डिस्कस. सो डिस्कस प्लगइन एक्टिवेट करने से यू विल गेट एन एडवांस कमेंटिंग सिस्टम ऑन योर फ्रंट एंड. हम देखते हैं कि वो कैसे नजर आता है. वैसे अगर आप इसको लाइव देखना चाह रहे हैं तो wccftech.com पे जाएं और वहां इसको आप लाइव भी देख सकते हैं. बट मीनवाइल आई विल सी कि ये हमारी साइट पे कैसा दिखता है. सो ये इसलिए आपको अभी प्रॉपरली दिखा नहीं रहा बिकॉज इट हैजंट बीन कॉन्फिगर्ड येट. आप इसको प्लगइन को एक्टिवेट करके कॉन्फिगर भी कर सकते हैं. दिस इज हाउ इट विल लुक. wccfduck.com इज अ गुड एग्जाम्पल. सो इन दिस लेसन वी डिस्कस्ड हाउ टू अप्रूव डिसअप्रूव कॉमेंट्स, हाउ टू डिसेबल कॉमेंट्स, एंड हाउ टू यूज अ पावरफुल कमेंटिंग फीचर लाइक डिस्कस.